अगली खबर का मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। कमलनाथ के मुताबिक विश्वभर में भारतीय कोरोना देश की पहचान बन गई है और दुनिया को देश में कोरोना के गलत आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों और शमशान के आंकड़ों में काफी अंतर है। पूर्व सीएम का दावा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना से 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर भी कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उनका कहना था कि 6 करोड़ 60 लाख दूसरे देशों में वैक्सीन भेजी गई है। चुनावों को प्रभावित करने के लिए 18+ को वैक्सीन लगाने का ऐलान किया गया, जबकि वैक्सीन का ऑर्डर घोषणा के बाद दिया गया। तो दूसरी ओर कमलनाथ के आरोपों पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि भारत के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर दुखी हूं, ये जानबूझकर कह रहे हैं। उन्होंने बीमा प्रमाण के यह कहा है और ये चिंता की बात है, निंदा की बात है। मध्य प्रदेश के गवर्नर से आग्रह करता हूं कि कमलनाथ पर 188 के तहत मामला दर्ज हो। देखिए, सरकारी आंकड़े बोगस हैं, ये धोखे के हैं, फ्रॉड है। मुझे उन आंकड़ों से मतलब है कितनी लाशें शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंची। इस ये आंकड़े सब कब्रिस्तान और शमशान घाट में होते हैं। इसमें से 80% मैंने गिन लिए कि 80% कोविड के कारण है। कोई कहेगा 80 नहीं है, 70 है, चलो 70 मान लूं, फिर भी तो 1 लाख से ऊपर जाएंगे। मैं तो सरकार से सीधी बात पूछ रहा हूँ, आप मुझे कोविड का आपने बनावटी नापदंड बनाए हुए हैं ये गुमराह करने के लिए। केवल देश को नहीं, पूरे विश्व को आप गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने आज बिना प्रमाण के कह दिया कि 1 लाख से ज्यादा लोग, 1,02,002 लोग मध्य प्रदेश में कोरोना से मरे, वैसी संख्या 1.5 लाख तक हो। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भ्रम फैलाए, झूठ बोले और लगातार झूठ पर झूठ बोले, ये चिंता की बात है और निंदा की भी बात है। कल्पना कर सकते हैं आप, एक का भी प्रमाण उनके पास है तो वो रखें, प्रमाण के साथ रखें। देखिए सरकारी और इसी बयान पर